आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि वैसे सेंटेंस, वैसे वर्ड जो हम अपने घर के डेली लाइफ में देखते हैं पर उसे हम इंग्लिश से बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते। हमारा मन होता है कि हम इंग्लिश से बोले, और बहुत सारे लोग अगर बोलते हैं भी हैं तो हम उसे समझ नहीं पाते। तो आज हम जानेंगे कि घर पे और आपके आस पास रखे हुए सामान का इंग्लिश में क्या नाम है, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम बोलते हैं बाल्टी। बाल्टी पहला वर्ड तो पहला है बाल्टी। बाल्टी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, उसे हम बकेट कहेंगे। बाल्टी जिस पे हम बाल्टी जो होती है हमारे घर में उसे हम बकेट कहते हैं। अगला है चकला। चकला, जी हाँ, चकला रोटी बेलने जिस पे हम रोटियां बेली जाती हैं उसको हम कहते हैं चकला। तो चकला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेस्ट्री बोर्ड। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे पेस्ट्री बोर्ड। जी हाँ, अगला सेंटेंस जो है, अगला वर्ड है उसको चलिए देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, चटाई। चटाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो चटाई को इंग्लिश में कहते हैं हम मैट। चटाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चटाई को इंग्लिश में कहते हैं मैट। अगला वर्ड है चमचा, स्पून। चमचा या चम्मच को इंग्लिश में कहते हैं स्पून। अगला जो वर्ड है वो है चलनी या छलनी। चलनी या छलनी को सीव कहा जाता है, SEIEV, सीव, चलनी या छलनी। अगला जो वर्ड है वो है चादर। चादर यानी बेडशीट। बेडशीट चादर को, या फिर जो हम बेड पे बिछाते हैं उसे हम बेडशीट कहते हैं। अगला जो वर्ड है देखते हैं कि क्या है अगला वर्ड, तो वो है चाबी। चाबी यानी की। चाबी को इंग्लिश में की कहा जाता है। अगला वर्ड है चारपाई, दैट इज कॉल्ड कॉट। चारपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में चारपाई को कहते हैं कॉट। अगला वर्ड है चिमटा। चिमटा यानी टोंग। चिमटा को जिसपे हम, चिमटा आपके घर पे होता ही है सबके घर में, उसे हम इंग्लिश में टोंग कहते हैं। तो जी हाँ, आज के हमारे 10 वर्ड से ज़्यादा हो गए और हमने आज सीखा कि किस वर्ड को क्या कहा जाता है। इसी के साथ फिर हम मिलेंगे अगले एक वर्ड के साथ, अगले बहुत सारे वर्ड के साथ जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दिस वीडियो।